हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे ढाबा स्टाइल आलू पालक की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पालक की ग्रेवी में दम किए हुए इस आलू से बनने वाली ये सब्जी खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है और बनाना भी इसको बहुत आसान है। तो आइए इस क्विक सी मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लगभग 250 ग्राम पालक लिया था, जिसको मैंने अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है, जिसको मैं गर्म पानी में ऐड कर रही हूँ। लगभग 10 मिनट में इसको बॉईल करूँगी गर्म पानी में। 10 मिनट से ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। 10 मिनट बाद तुरंत ही मैं इसको निकाल करके ठंडे पानी में डाल दूँगी। इससे क्या होगा, हमारा पालक कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और पालक का कलर भी चेंज नहीं होगा। सब्जी का कलर भी इससे बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इसका प्यूरी तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्यूरी तैयार कर ली है। अब यहाँ पर मैंने 6 से 8 आलू लिए थे, जिसको मैंने बॉईल करके पील ऑफ कर लिया है। इसको मैं डीप फ्राई करूँगी, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको डीप फ्राई करना है। हमारे आलू बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, क्रिस्पी गोल्डन लेयर्स आपको दिख रहे हैं। इस तरीके से हमें इसको फ्राई करना है। यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया प्लेट में। अब वापस उसी तेल में मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज और कुछ जिंजर और गार्लिक मैं ऐड कर रही हूँ। काजू मैं ऐड कर रही हूँ, 4 से 5 काजू मैं ऐड कर रही हूँ। इसको मैं फ्राई करूँगी अच्छे से। मैं धनिया चॉप धनिया ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। 1 बड़ा टमाटर जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ों को मैं फ्राई करूँगी और वापस से मैं इसको प्लेट में निकाल करके इसको ठंडा करूँगी। मैं इसका प्यूरी तैयार करना है हमें, तो इसको मैं ठंडा करके इसका प्यूरी तैयार कर लूँगी। उसी तेल में मैं जीरा ऐड कर रही हूँ, कुछ खड़े मसाले मैं ऐड कर रही हूँ, 1 छोटा प्याज मैं जिसको रफली चॉप कर लिया था वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसको भी मैं फ्राई करूँगी और हमारा मसाले का प्यूरी जिसको मैंने तैयार किया था वो मैं इसमें डाल देती हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। इसको भी मैं 10 से 15 मिनट पकाऊँगी, जब तक कि तेल निकलने लगे। अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। मसालों को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पालक प्यूरी भी इसमें ऐड कर दिया है, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। नमक ऐड कर रही हूँ मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। 10 मिनट मैं इसको पकाऊँगी, 10 से 15 मिनट मैं इसको लो मीडियम फ्लेम पे ढक करके पकाऊंगी। मैंने फ्राइड पोटैटोज़ भी मैंने ऐड कर दिए हैं, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट पकाऊंगी। मीडियम फ्लेम पे हमें इसको पकाना है। तो देखिए, हमारी सब्जी बनकर के बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी आसान सी रेसिपी है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और अब मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। तो हमारी मज़ेदार सी पालक आलू की सब्जी बनकर के तैयार है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। इसको पूरी पराठे या चावल के साथ खाइएगा और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।